आज का टॉपिक है आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। कब? जब आप ग्रेविटी में किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। देखिए, अगर कोई बाहर से कोई बल किसी वस्तु पर कार्य ना करे तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो हमेशा नियत रहता है और उसकी यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। ये था आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, किसमें? इस चैप्टर में, गुरुत्वाकर्षण वाले कार्य वाले में। अब देखिए, यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी? मैंने अभी बताया, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग कर दिया। यांत्रिक ऊर्जा, इसको ई से लिखते हैं, गतिज ऊर्जा को के से लिखते हैं, स्थितिज ऊर्जा को यू से लिखते हैं। अब इसका एग्जांपल कहाँ पे देखेंगे आप देख सकते हैं, मुक्त रूप से अगर किसी वस्तु को छोड़ें तो उसकी किसी भी बिंदु को अगर आप स्टडी करें तो हर एक बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा का मान जो आएगा वो नियत आएगा।